हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू योर ओन चैनल बिगनर्स पॉइंट। और मैं हूँ श्रुति आपके साथ। और आज हम देखेंगे क्लास 9th हिस्ट्री का चैप्टर 1 का हमारा फर्दर पार्ट, द एबोलिशन ऑफ स्लेवरी। एबोलिशन का मतलब खत्म होना या समापन हो जाना स्लेवरी का। स्लेवरी की जो प्रोसेस चलती थी, या स्लेवरी मतलब जो गुलामगिरी की चीज़ थी, वो चीज़ खत्म हो गई थी। वन ऑफ द मोस्ट रिवोल्यूशनरी सोशल रिफॉर्म जो था जैकबियन रिगाइम का, वॉज एबोलिशन ऑफ स्लेवरी इन फ्रेंच कॉलोनीज। फ्रेंच कॉलोनीज में से ये गुलामगिरी की जो कंसेप्ट था वो पूरी तरह से एबोलाइज कर दिया गया या ख़त्म कर दिया गया। कॉलोनीज जो थी कैरेबियन की, मॉन्टेनिक, बाद में गुडलॉप एंड सैन डोमिंगो, ये जो थी ये इंपॉर्टेंट सप्लायर्स थे कमोडिटीज़ के, जैसे कि टोबैको, इंडिगो, शुगर और कॉफ़ी। बट रिलक्टेंस जो था यूरोपियंस का टू गो एंड वर्क इन डिस्टेंस एंड अनफेमिलियर लैंड्स मींस द शॉर्टेज ऑफ लेबर ऑन द प्लांटेशन। मतलब यूरोपियंस जो थे वो ये सोचते थे कि दूर दूर तक जाकर अनफेमिलियर लैंड पर जहाँ जानते नहीं, इस जगह पर जाकर काम करने नहीं हो पा रहा था, इसलिए शॉर्टेज होता था लेबर प्लांटेशन की जगहों पर। सो ये मीट बाय ट्रायंगुलर स्लेव ट्रेड बिटवीन यूरोप, अफ्रीका एंड अमेरिकन। और इसीलिए जो ट्रायंगुलर एक स्लेव ट्रेड उन्होंने चलाया था यूरोपियंस, अफ्रीकन और अमेरिकन के बीच में। स्लेव ट्रेड जो था वो शुरू हुआ था 17th सेंचुरी में। फ्रेंच मर्चेंट्स जो थे वो सेल करते थे पोर्ट्स ऑफ बॉर्डेक्स से और नैंट से टू अफ्रीकन कोस्ट। मतलब वो सेल करते थे या जाते थे, फ्रेंच मर्चेंट्स जो थे वो पार करते थे या तैर कर या क्रॉस कर कर बड़ी सी सी को जाते थे अफ्रीकन कोस्ट में, जहाँ पर वो स्लेव्स को लेते थे लोकल शेफ्टियन से। ब्रांडेड और शैकल स्लेव्स वेयर पैक टाइटली इन टू द शिप्स, और स्लेव्स को शिप्स के थ्रू वो ट्रांसफ़र करते थे एक जगह से दूसरी जगह, जो 3 months लॉन्ग तक वो वेग अक्रॉस द अटलांटिक टू कैरेबियन। वेग मतलब वो जो सफ़र है पानी का, वो पार करते थे अटलांटिक से कैरेबियन की तरफ जाने के लिए। एंड देयर दे वेयर सोल्ड टू प्लांटेशन ओनर्स, और जो लोग प्लांटेशंस करते थे उन ओनर्स को वो इन स्लेवरीज को या गुलामों को बेच देते थे। एक्सप्लॉयटेशन जो था स्लेव लेबर्स का, ये पॉसिबल कर चुका था मीट द ग्रोइंग डिमांड इन यूरोपियन मार्केट फॉर शुगर। और जो कि अब स्लेव्स जो थे एक्सप्लॉयट होने लगे थे या उनका जो है प्रोवाइड करने लगे थे, ज़्यादा लेबर्स मिलने लगे थे, तो इसलिए डिमांड जो थी वो भी बढ़ने लगी थी यूरोपियन मार्केट में शुगर, कॉफ़ी, इंडिगो की। और पोर्ट सिटीज़ जैसे कि बॉर्डेक्स और नैंटस जो थे उन्होंने ओन कर ली थी उनकी इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी को टू द फ्लरिशिंग स्लेव ट्रेड। फ्लरिश करके मतलब फैला कर स्लेव ट्रेड्स को, ये जो बॉर्डेक्स और नैंटस के जो लोग थे या सिटीज़ थी उन्होंने इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी को पा लिया था। थ्रू आउट द 18th सेंचुरी, पूरी 18th सेंचुरी में लिटिल क्रिटिसिज्म था स्लेवरी के लिए इन फ्रांस। नेशनल असेंबली जो हुई थी उन्होंने लॉन्ग डिबेट्स किए कि वेदर राइट्स जो है मैंस के वो एक्सटेंड करने चाहिए कि नहीं सारे फ्रेंच, ऑल फ्रेंच सब्जेक्ट के लिए जिनके इंक्लूड होती कॉलोनीज भी। बट इट डिड नॉट पास एनी लॉज, लेकिन कोई भी लॉ पास नहीं हुआ, फेयरिंग अपोजिशन फ्रॉम बिजनेसमैन, क्योंकि उन्हें ये लगता था कि अगर ऐसा कोई लॉ पास होगा तो अपोजिशन होगा बिजनेसमैन्स की तरफ से, जिनकी इनकम्स जो हैं वो डिपेंड की गई हैं स्लेव ट्रेड्स के ऊपर। और ये फाइनली कॉन्वेंशन हुआ विच इज़ इन 1794 लेजिस्लेटेड टू फ्री ऑल स्लेव्स। और फिर ये 1794 में डिक्लेयर किया गया कि जितने भी स्लेव्स या गुलाम हैं फ्रेंच में वो ओवरसी करने चाहिए, ओवरसीज पोजिशंस के लिए वो उन्हें फ्री कर देना चाहिए। और दिस इज़ हाउ एवर टर्न आउट टू बी ए शॉर्ट टर्म मेजर, और ये एक शॉर्ट टर्म मेजर था 10 years। लेटर नेपोलियन जो थे उन्होंने वापस री इंट्रोड्यूस किया इस स्लेवरी को। प्लांटेशन ओनर्स जो थे उन्होंने जाना कि फ्रीडम क्या है, इंक्लूडिंग द राइट टू अनस्लेव अफ्रीकन निग्रोज। अफ्रीकन निग्रोज जो थे उन्हें उन्होंने राइट दिया कि अनस्लेव कर दें, या उन्हें गुलामी से हटा दिया गया इन परस्यूट ऑफ देयर इकोनॉमिक इंटरेस्ट। स्लेवरी जो थी फाइनली एबोलाइज्ड हो गई या ख़त्म हो गई फ्रेंच कॉलोनीज में 1848 में। निग्रोज जो हैं, जो हमें यहाँ पर दी गई है टर्म, ये टर्म यूज़ की जाती है इंडिजीनियस पीपल्स के लिए, अफ्रीकन साउथ के लिए, अफ्रीका साउथ में जो रहते हैं सहारा के। और ये डेरोगेटरी टर्म है कॉमन यूज़ के लिए, इट्स नॉट इन कॉमन यूज़ एनी लॉन्गर। मतलब अब तक अब ये निग्रोज जो है वो यूज़ नहीं किया जाता वर्ड अफ्रीकन, साउथ अफ्रीकन लोगों के लिए। एमेंसिपेशन का मतलब होता है फ्री करने के एक्ट को एमेंसिफिकेशन कहते हैं, एमेंसिपेशन कहते हैं। ये तो 6th पॉइंट है दोस्तों, ये हम अपने अगले चैप्टर, अगले वीडियो में कवर करेंगे। और फाइनली ये हमारा लास्ट वीडियो रहेगा इस चैप्टर का। तो दोस्तों इस तरह से यहाँ पर हमारा ये वीडियो कंप्लीट होता है। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। थैंक यू सो मच, थैंक्स अ लॉट।